हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हमारा यह सेकंड वीडियो रहने वाला है एनसीईआरटी का। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले प्राचीन काल को मैंने करवा दिया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक थे गोपाल। बिल्कुल फास्ट देखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा किसने करवाए थे। तो यह धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमीर रासो, यही जो है सुमेलित नहीं है। जबकि चंद्रवरदाय पृथ्वीराज रासो, जगनिक आल्हाखंड, नरपति नाला विशल देव रासो, ये सब की पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और राजशेखर। ऑप्शन सॉरी विज्ञानेश्वर हिमाद्री और जीमूत वाहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घटा किसे निरूपित करता है? तो यह भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो यह अवस्थित है उत्तरी बंगाल में। निम्नलिखित में से किसको एक नया संबंध चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो यह प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यह जो देख रहे हैं हम लोग पूर्व मध्य काल देख रहे हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह सिद्धराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो यह रचयिता थे जयदेव। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो यह है भगवती सरस्वती। गोंडवाहों के रचयिता कौन थे? तो यह थे वाक्पति। जजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जजाक भुक्ति जो था यह था बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर ने। यह सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि SSC, रेलवे, बिहार दरोगा, BPSC, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करते हैं। प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज, प्रतिहार कन्नौज। चोल हो जाएगा तंजौर, चोल की राजधानी तंजौर। परमार की राजधानी हो जाएगा धार, और सोलंकी की राजधानी हो जाएगा अहिलवाड़। ऑप्शन हो जाएगा ए, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाट गवुंड शब्द का तात्पर्य क्या है? तो राजस्व अधिकारी से। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था? तो यह बनवाया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किसने करवाया था? तो यह करवाया था दंती दुर्ग ने। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट है, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? उर और महासभा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है, राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे हुए थे पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जीत किसका हुआ था? तो प्रतिहार का हुआ था। नेक्स्ट है, लक्ष्मण संबत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? सेनों के द्वारा। मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है, यह किसकी विशेषता है? तो यह है प्रतिहार का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल दो सही
दिया गया है। नेक्स्ट है राजा भोज ने शासन किया, राजा भोज ने शासन किया है धार पर। आतिश दीपांकर कौन थे, तो आतिश दीपांकर थे बौद्ध विद्वान। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे, राजशेखर का संबंध है महेंद्रपाल प्रथम से। टोंडमंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है, टोंडमंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है, तो यह करता है दक्षिण तमिल देश को, दक्षिण तमिल देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है धंगदेव किस वंश का शासक था, धंगदेव जो शासक था या किस वंश का शासक था, तो जजाक भुक्ति के चंदेल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों के नामों को सही कालानुक्रम में संयोजित कीजिए और उत्तर दिए गए कूट से चयन कीजिए, उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन, उसके बाद धंग, उसके बाद विद्याधर और उसके बाद हो जाएगा कीर्ति वर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था, तो यह था प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो यह था तक्षशिला, जो कि पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, मौर्य काल में यह शिक्षा का केंद्र था। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था, तो यह था पेरुमक्कल, पेरुमक्कल। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, तो परमार वंश का इसमें से कौन शासक नहीं था, तो गांगे देव जो थे यह परमार वंश से संबंधित नहीं है, उपेंद्र मुंज और उदयादित्य जो है परमार वंश का शासक हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए कौन से जो है सही सुमेलित है, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी 2 और 5, खजुराहो बुंदेलखंड और तिरुपति रायल सीमा, तिरुपति रायल सीमा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, नेक्स्ट है निम्न में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था, ये तो हो चुका है पेरुमक्कल। नेक्स्ट है 35, 36 नंबर भी हो चुका है, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, महोदय श्री के नाम से जाना जाता था किसे, तो कन्नौज को। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो यह लिखी है भोज, भोज लिखी है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में महतर व पट्टिकल, पट्टिकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे, तो यह नाम प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखरी वंश थानेश्वर, जो कि गलत दिया गया है, पुष्यभूति वंश कन्नौज। इसका राइट आंसर दिया गया है कौन सा जो सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए कौन से जो है जो सुमेलित है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित है, तो गढ़वाल कन्नौज चौहान अजमेर परमार मालवा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवारा थी, किसकी उपाधि आदिवारा थी, तो यह थी मिहिर भोज का, मिहिर भोज का। अब हम लोग देखते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण को, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो यह था उतवी, उतवी। फिरदौसी के पुस्तक का नाम क्या है, तो यह है फिरदौसी के पुस्तक का नाम है शाहनामा। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मेरे ख्याल से फिरदौसी भी होना चाहिए, फिरदौसी और उतवी दोनों दरबारी इतिहासकार थे, लेकिन इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो अरब के थे, वो कौन थे, तो यह थे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, पुराणों का अध्ययन अलबरूनी। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मक्का कहाँ स्थित है, बहुत ईजी क्वेश्चन, मक्का जो है यह सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट है हिंद या फिर भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था,
यह प्रयोग किया था अरबों ने। बुत सिकन जिसे मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी, तो यह प्राप्त थी महमूद गजनवी को। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। मोहम्मद बिन कासिम के 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी, सिंध की राजधानी थी अरोर। राजा कौन थे, तो राजा थे दाहिर। नेक्स्ट है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की है, तो यह की है अल्तगीर ने। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, तो यह विद्याधर जो है पराजित नहीं हुआ। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो यह था अल बरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है, इसमें से बताना है, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था जो कि सही नहीं है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। यह सब सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह किया था मुल्तान पे, उसके बाद थानेसर पे, फिर कश्मीर पे, कन्नौज पे, फिर मथुरा पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1014 में थानेसर पर आक्रमण करता है, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है। अलबरूनी भारत में आया था, तो यह आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, तो यह पराजित किया था भीमदेव द्वितीय ने। फिरदौसी की रचना शाहनामा में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो शाहनामा में किया गया है फारसी भाषा का। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो यह किए थे महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो पता ही होगा 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। ऑप्शन हो जाएगा सी। महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुई, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो यह प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कथन कारण दिया गया है 23वां प्रश्न में, देख लीजिए। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए तथा कारण आर, दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किताब उल यामनी जिसमें महमूद के अधिकांश आक्रमणों का वर्णन है, किसने लिखा है, तो यह लिखा है उत्वी ने। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो स्थापित हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, तो यह बनी हुई थी मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। कथन कारण दिया गया है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, जो कि गलत दिया गया है। ए क्या है, सही दिया गया है, परंतु आर जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, वहिंद या फिर पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई। वहिंद का लड़ाई लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के साथ। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और पुनर्निर्माण करवाया था भीमदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का काल को देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुलाम वंश का स्थापक जो थे, यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिस था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तो यह था इल्तुतमिस। उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, उत्तर भारत में चांदी का टका और तांबे का जितल जारी करने वाला शासक था इल्तुतमिस। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़, फिर वारंगल। ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है,
उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल उसने इकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, जी नहीं इकतादारी व्यवस्था प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव को समाप्त किया। ऐसे तो तुर्कान ए चहलगानी, हाँ सही दिया गया, गयासुद्दीन बलबन ने ही तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था, स्थापना किया था इल्तुतमिश ने, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। खटोली की लड़ाई, खतौली होना चाहिए, खटौली की लड़ाई किसके इसके मध्य लड़ी गई थी, यह लड़ी गई थी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, क्या अपनाई थी, बलबन ने। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया, यह समाप्त किया था किसने, तो बलबन ने, स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। आगरा शहर का संस्थापक कौन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापना किया था। मुहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले तो दुआब में कर को वृद्धि कर देता है, उसके बाद राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले जाता है, तो दौलताबाद ले जाता है, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और खुरासान अभियान किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले शासन किया था कौन से वंश, तो यह हो जाएगा, एक मिनट, यह हो जाएगा मामलुक वंश या फिर बरी तुर्क या फिर गुलाम वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 4, उसके बाद किसने किया था, तो खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश और उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश, अंत में लोदी वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 3, 2, ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा पहले गुलाम वंश जैसे दास या मामूलक या इलवरी वंश कहा जाता है, दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश, तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, चौथा सैयद और पांचवा लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था यह बताइएगा, तो बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। अंतिम पूछा जा रहा है तो इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के दरमियान यह रणभूमि में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की, तो राजत्व सिद्धांत बलबन। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो यह था रामचंद्र देव। मुहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था, तो दर्शन शास्त्र में, बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ शासक था। किसके शासनकाल में मोरक्को देश का यात्री इबन बतूता भारत आया था, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, आया था मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है, बताइएगा कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुई प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया, बिल्कुल सही। औपचारिक रूप से 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था, कब, 25 जून 1206 को ऐबक ने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए, राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की, जी बिल्कुल भी नहीं, सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक वही था जो कि सुल्तान की उपाधि धारण किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, होली के उत्सव में भाग लेता था या लेता था मुहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किसने सन 1328 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों की प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी, तो मुहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट है निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था, तो यह कहा था मुहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। दौलताबाद जिसे मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है, तो यह स्थित है औरंगाबाद में।
लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया था गया था बहलोल लोदी के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। राजधानी किसने चेंज किया था? तो इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था दिल्ली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख वक्स के नाम से जाना जाता था? लाख वंश के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी, यह भी ध्यान रखिएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां ने 1221-22 के लगभग में चंगेज खां ने आक्रमण किया था और इस समय शासक था इल्तुतमिश। मांगवानी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंच चुका था। निम्नलिखित युगों में से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान गढ़ी का किला किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन ने। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। ढाई दिन का झोपड़ा फिरोजशाह तुगलक ने ही। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में, और इसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया? यह परित्याग किया था अलाउल मुल्क के कहने पर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यह है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने ही। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह गाजी मलिक बना था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी किस में मिलती है? तो यह मिलती है तारीख ए फिरोज शाही में। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? यह लाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, यह जो था यह था मुहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हक ए सर्व जो कि सिंचाई विभाग से संबंधित है, सिंचाई कर से संबंधित है, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर वंश के बाद सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद पूछा जा रहा है, तो सैयद वंश ऑप्शन बी। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है दिल्ली में है, कभी आइएगा तो घूम लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जमयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसका सही कालानुक्रम है बहलोल खान लोधी, उसके बाद सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी, ऑप्शन हो जाएगा सी। सल्तनतकालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की थी? यह प्रारंभ की थी खिलजी शासकों ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो 180,000 गुलाम रहते थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, और गुलामों के लिए इसने एक विभाग बना रखा था दीवान ए बंदगान। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के थे लोदी वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया था? अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? सही मेहराब किस में पाई गई है? तो यह पाई गई है सुल्तान बलबन का मकबरा में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे कौन थे? तो यह व्यापारी थे। चहलगानी चालीसा कौन थे? तो यह थे तुर्क गुलाम सरदार इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना, लेकिन दमन किसने किया था? बलबन ने। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? यह हबसी था, और यह कहाँ का था? तो अबसीनिया का था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलू खां के नाम से जाना जाता था? तो उलू खां के नाम से जाना जाता था मुहम्मद बिन तुगलक को। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? तो अपनी पुत्री का विवाह किया था
नासिरुद्दीन महमूद जो अपना जीवन व्यतीत टोपी सिलकर केक करता था। सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी? तो बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति को भी प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यह हाथ था तुर्कों का। किसका था? तुर्कों का था। 54 नंबर, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? यह सम्मान दिया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह को। ऑप्शन हो जाएगा सी। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी गाजी मलिक या फिर ग्यासुद्दीन तुगलक ने। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो नगद वेतन देना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जैन मुनि जीन प्रभासुरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? जीन प्रभासुरी का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। निम्न से कौन तुर्कान एच हल्गानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? तो यह था इमादुद्दीन रेहान, जबकि बहाउद्दीन तुगरिल कुतलक खान और बलवन जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारी कहा जाता है। गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीदा गया था 1000 दिनार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर का। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था? बिल्कुल। वह दिल्ली में अपना राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सही है, परंतु आर जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है 61 नंबर। चलिए 61 नंबर है नहीं, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एवं साहित्य। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एवं साहित्य को देखेंगे। चलिए इसे भी समाप्त करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सुमेलित कीजिए। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो यह लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से लिया जाता था। जकात जो है मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, मुस्लिमों का धार्मिक कर है जकात। खराज जो है यह गैर मुस्लिम भू कर है खराज। खुमस जो है लूटी गई संपत्ति से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे? अमीर खुसरो का संबंध है ग्यासुद्दीन बलबन से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से जो है कथन सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों के प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल। भारत में कवाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो थे। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? इसके जन्मदाता थे अमीर खुसरो। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? यह प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सल्तनतकालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सुमेलित कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, इसे सुमेलित करने के लिए दिया गया। वजीर जो है यह अर्थ विभाग है, वजीर अर्थ विभाग। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग। साद्र उसुदुर धार्मिक विभाग। काजी उलकुजात न्याय विभाग। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज का संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से, दीवान ए अमीर कोही जो कि कृषि विभाग से संबंधित है, और यह है मोहम्मद तुगलक से। दीवान ए खैरात जो है यह संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से। दीवान ए रियासत बलबन से संबंधित नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से दीवान ए रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? इसका कमेंट करके बताइएगा आप लोग। दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? तो मेरे ख्याल से अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो यह भाषा था फारसी। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? हिंदुस्तान का तोता ए हिंद अमीर खुसरो। किताबुल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो यह था अलबरूनी। अलबरूनी की ही पुस्तक है किताबुल हिंद। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में तलैया या यजकी कौन थे? तो यह थे गुप्तचर। सूचीवन को सूचीदेव के साथ मिलान करने के लिए दिया गया है। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है। हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल माशिद।
ताजुल मासिर तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। आहिया बिन अहमद की पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। 3421 ऑप्शन है जाएगा डी 3421। नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तबला का प्रचलन किसने किया है? अमीर खुसरो ने। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता था, कहा जाता है तो यह कहा जाता है लोदी काल को। तुती ए हिंद या फिर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के एटा जिले में, यूपी के एटा जिले में हुआ है, लेकिन इसका ध्यान रखिए पटियाली में हुआ है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, फवाजिल का अर्थ क्या था? तो इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को ही फवाजिल कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था तो यह था चौधरी, कौन था? चौधरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मिलान करने के लिए दिया गया है। तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद जो पुस्तक है अलबरूनी, तारीख ए दिल्ली पुस्तक है खुसरो का, रेहला है इब्न बतूता का, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का है। ऑप्शन हो जाएगा 3412, 3412 ऑप्शन हो जाएगा सी। सल्तनत कालीन लिखित ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। 20 क्वेश्चन नंबर है, तारीख ए आमनी लेखक हैं उत्वी, तारीख ए आमनी उत्वी, फतुहात ए फिरोसाई फिरोसा तुगलक का, खजाइन उल फतु अमीर खुसरो का, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी का। ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इतिहासकार बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। हदीस है एक, हदीस क्या है? तो हदीस है इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून है, हदीस के हैं तो इस्लामिक कानून है। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, मुगल काल में पूछा जा रहा है तो मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग देखने वाले हैं सल्तनत कालीन प्रांतीय राज को, चलिए इसे भी समाप्त करते हैं। वह युग में जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करता है, यह करता है, यह करता है बाज बहादुर मालवा, बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तेहसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जो कि सुमेलित नहीं है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को हैदराबाद। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है तो यह है हेलविड, हेलविड डैम है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मिलान के लिए दिया गया है। आदिल शाही बीजापुर, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही हैदराबाद, सरकी शाही जौनपुर। ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, तो जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? बहमनी राज की प्रथम राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता था? भारत का सिराज जौनपुर, भारत का सिराज जौनपुर। 9 नंबर है निम्नलिखित युग पर विचार करिए, मध्यकालीन भारतीय राज दिया गया और वर्तमान क्षेत्र दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से बताना है तो केवल जो है दुर्गर जम्मू यही क्या है सुमेलित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का निर्माण मान सिंह तोमर ने किया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी, दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य नहर मेहराबी मकबरा इसका निर्माण बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन हो जाएगा ए 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो यह थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका अंत हुआ है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। नेक्स्ट है जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज का अंतिम शासक हुसैन शाह थे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में मुनि विजयसूरी नहीं थे जबकि ना था मुनि सुंदरसूरी,
और टीला भट्ट थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, कौन सा शामिल इसमें है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी बुर्ज थे, फारसी शैली थे, बौद्ध पेगोडाओं से समानता था। जौनपुर नगर निम्नांकित में किसकी स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर नगर निम्नांकित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया, तो स्थापित किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो यह पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी की यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था, यह हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सूचीवन को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। जौनपुर तो मालिक सरवर ख्वाजा ए जहाँ। जौनपुर के संस्थापक कौन थे, तो मलिक सरवर थे। मालवा के संस्थापक थे दिलावर खां गौरी। गुजरात के जफर खां मुजफ्फर शाह थे और बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह थे। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। क्या दिया है, ए निकितिन ने। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। यह था प्रताप रुद्रदेव। कलहन की राजतरंगनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया, यह बढ़ाया था जोन राज एवं श्रीवर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य को, और इसे भी बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। तो इसमें से सभी उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या करते हैं, हम्पी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, क्या भेजा था, बुका प्रथम ने। अब्दुल रज्जा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, तो यह आया था देवराय द्वितीय के दरबार में, मतला ए सहीन इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी, तो यह प्रमुख विशेषता थी भू राजस्व। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, इसका निर्माण तो कृष्णदेवराय ने करवाया था और यह अवस्थित है हम्पी में। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, 1565 में लड़ा गया था तालिकोटा का युद्ध। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, तो इसको आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बहमनी राज का संस्थापक कौन था, बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी में। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थापित की थी, अहमद शाह प्रथम बहमनी। निम्नलिखित में से अपनी मदुरा विजयम कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी, तो यह थी गंगा देवी। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है गोल गुंबद के लिए। नेक्स्ट है, किस संगम वंशी शासक को पौढ़ देवराय भी कहा जाता है, पौढ़ देवराय किसे कहा जाता है, तो देवराय द्वितीय को। अब हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य के बारे में। अभी हमने देखा था सल्तनतकालीन प्रांतीय राज को देखा, ये तो हो चुका है, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 69 प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यात्री और देश दिया गया है,
नूनिज कहाँ का यात्री था? तो यह था नूनिज किसके दरबार में आया था? तो आया था यह अब्दुल रजाक सॉरी अच्युत देवराय के दरबार में। और कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था, जो कि सुमेरित नहीं है। अब्दुल रजाक फारस का था, ना कि पुर्तगाली था। निकोले कांटी इटली का था, इटालवी था। यह सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा केवल डी, ऑप्शन हो जाएगा केवल डी, केवल तीन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण कराया था? बिदर में मदरसे का निर्माण कराया था महमूद गवा ने। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? यह निकाला गया था गोलकुंडा की खान से, गोलकुंडा की खान से। होयसल स्मारक स्थित है, होयसल स्मारक स्थित है, यह स्थित है हलेविड और वेलूर में। विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? विजयनगर में चांदी के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे तार। क्या कहते थे? तार कहते थे। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन था? अमुक्तमाल्यदा के लेखक हैं, अमुक्तमाल्यदा का जो लेखक यह हैं कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था किस राजा के साथ? यह लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो यह था तेलुगु, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हजारा मंदिर कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन्हे और तिकन्ना, नन्हे और तिकन्ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर समाज में प्रचलित बहुविवाह तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है? क्या किया है? निकोले डी कांटी। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था हरिहर एवं बुका ने। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? क्या छीना था? हरिहर द्वितीय ने, हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? क्या किया गया था? मुहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद मांडू, जो कि गलत दिया गया है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, तीन दरवाजा अहमदाबाद। नेक्स्ट है जो कि मुगल वंश को स्टार्ट करते हैं और इसे भी समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो सही दिया गया है? बाबर ने सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, बिल्कुल। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया, जी बिल्कुल। वह तैमूर वंश से संबंधित था, ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत शासक कौन था? राजपूत राजा थे राणा सांगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो स्थापत्य में मेहराब और गुम्बद निर्माण आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है सही दिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को। भारत बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही दिया गया है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। नेक्स्ट है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? क्या की थी? शेर शाह ने। अब 7वां प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। नेक्स्ट है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य को खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? यह हो जाएगा शेर शाह सूरी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो दिल्ली के किला एक हुना का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? जरी कलम की उपाधि मुहम्मद हुसैन को प्रदान की गई। नेक्स्ट है,
आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा, यह हो जाएगा अकबर। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? क्या दिया था? अजमेर में। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? क्या प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? तो यह थी टोडरमल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? तो यह है पंचमहल। पंचमहल जो है बौद्ध विहार के अनुरूप है। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो यह था रॉल्फ फिंच। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की थी जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो यह किया था जहांगीर। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो यह है रजमनामा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? क्या किया था 1608 में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? जैता और कुंपा जो संबंधित थे या थे मारवाड़ से। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देवरा का युद्ध, उसके बाद चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद। सरहिंद का युद्ध 1555, कन्नौज या बिलग्राम 1540, चौसा 1539, देवरा का युद्ध अगर मैं सही हूँ तो 1532। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची वन को सूची दो के साथ मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं, बाबर का जो मकबरा है यह कहाँ है? तो यह है काबुल में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। चलिए इसे मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, जिसे ताजमहल का घटिया नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले में निर्माण करवाया था औरंगजेब और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? यह पराजित किया था सैबानी खाने। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के समय। ऑप्शन हो जाएगा ए। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो जहांगीर के समय। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो यह उल्लेख किया है मेवाड़ के हिंदू राज्य का। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? और नाम एक ध्यान रखिएगा, बाबरनामा में रचना की है, नाम उल्लेख की है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के बारे में, वो भी हिंदू शासक ही थे। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? क्या की थी? औरंगजेब। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो यह था उच्च शिक्षित शेरशाह। ऑप्शन हो जाएगा डी। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? तांबे का सिक्का कहलाता था दाम कहलाता था। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो रुपया कहलाता था। नेक्स्ट है 35 नंबर, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था कविंद्राचार्य ने। निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तय किया था कछवाहों से। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थयात्रा कर किसने समाप्त कर दिया था? तो यह किया था अकबर ने। कब किया था? तो 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो यह कहा जा सकता है अकबर को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। 49वां प्रश्न है, जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है, इसे मिलान करते हैं। अलाई दरवाजा दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी और निर्माण करवाया अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा का तो शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली का तो औरंगजेब। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 2 3 4।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन प्रशासन में परगना किसे कहते हैं? परगना कहते हैं कई गांवों के समूह को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने प्रथम हजरत आला की उपाधि स्वीकृत की और बाद में सुल्तान की? तो यह की थी शेरशाह सूरी ने। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा कौन था? तो यह अकबर ही था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? मुहतसिब जो थे यह लोक आचरण अधिकारी थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किसे की? यह की थी जहां आरा को, जो कि बहन थी। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? क्या कर दिया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन था? क्या था? सुलेमान सिको। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? क्या दी थी? दारा शिको को। ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुरक्त भूमि को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह राज कौन सा था? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज शाहजहां का साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? तो यह बन गया था अहमदनगर। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। मुगल शासकों के मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में पहले था, फिर अकबर के समय काबुल में दफनाया गया था। वही बात की जाए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में है, और जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद जो कि दौलताबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वही खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था, खानवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को। कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं बिल्कुल डेट वाइज, क्योंकि अब 1526-27 बहुत ईजी हो चुका है, डेट याद रखा करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मुगल कालीन संगीत साहित्य एवं चित्रकला को और इसे भी समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब भी आप लोग करा करें और शेयर भी करें। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? यह रखा था किसने? यह रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नकशबी ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है अब्दुल समद, मंसूर और मीर सैयद अली। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? बताइएगा कौन से जो जहांगीर के चित्रकार थे? तो यह थे अबुल हसन और अकारीजा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो राजस्थानी पहाड़ी कांगड़ा पर पड़ा है, लेकिन कालीघाट पर नहीं पड़ा है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाया करते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा चित्रकला। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? मुगल चित्रकला के बारे में कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से सभी युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु दरबारी और प्राकृतिक दृश्य। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है?
किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चित्रकला। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दस्ता थी? औरंगजेब बजाया करता था वीणा, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है, प्रातःकाल में गाया जाता था तोड़ी। क्या गाया जाता था? तोड़ी। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन थे? ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास, तानसेन और हरिदास। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, जिस किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था महामनगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली ने, ताजुल माली ने। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? क्या लिखे थे? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मिलान करने के लिए दिया गया है लेखक और पुस्तक दिया गया है। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल माशिर, ताजुल माशिर। ख्वंद मीर का पुस्तक का नाम है कानून ए हुमायूनी। मोहम्मद काशिम आलमगीर नामा। भीमसेन नुस्खा ए दिल कुसा, ऑप्शन हो जाएगा ए। एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए किसका योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना का। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई या प्रदान की गई? मंसूर को, जो कि चित्र बनाता था पक्षियों का। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? यह किया था शाहजहां ने। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, हुमायूंनामा, ये सब सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो सुमेलित है। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न। मिलान करने के लिए दिया गया है आलमगीरनामा, आलमगीरनामा यह जो है मिर्जा मोहम्मद काजिम की पुस्तक है। तबकात अकबरी, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण की है। इकबाल नामा जहांगीरी मोतबिद खा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? यह अनुवाद है पंचतंत्र का, रचना विष्णु शर्मा। नस्तालिक क्या है? तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, कृष्ण की प्रशंसा में छंद किसने लिखे? तो राजा सावंत सिंह ने। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो केशव दास ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। रसिक प्रिया की रचना और रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो केशव दास ने। अब हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन, मुगल साम्राज्य का विघटन, और इसे भी समाप्त करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें से सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, ऑप्शन हो जाएगा दो और तीन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 3, 1। बनारस के पास सूजा की पराजय, उसके बाद धर्मत में विजय, उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, फिर देवराय की लड़ाई। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। नयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह था महमूद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने आक्रमण किया था कब? 1739 ईस्वी में, और नयूर सिंहासन को लेकर के चला गया था। बनवाया किसने था? शाहजहां। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तभी उन्हें बताया मोहम्मद शाह। किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? हिजड़ों एवं महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, यह था मोहम्मद शाह के समय, 1719 से लेकर 1748। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब के 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया था? तय शाह आलम द्वितीय को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1,00,000 रुपये से कम प्रतिमा ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, जो कि सही नहीं है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह बिना सम्राट का सम्राट था। यह सब सही दिया गया है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? तो अयोग उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौते कराने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? निजामुल मुल्क ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। बहादुर शाह इसे कहा जाता है साहे बेखबर। जहादाह शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। फरूख शेर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो यह था चिनकिलिज खां। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है, तो किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। ऑप्शन हो जाएगा सी। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? तो यह बनवाई थी दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन और वाराणसी में। नाम ध्यान रखिएगा, दिल्ली जयपुर उज्जैन और वाराणसी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? त्या बने थे फरूख सियर। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों में उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। 19 और प्रश्न है, हिंदुस्तानी दल हुसैन अली अब्दुल्ला खां, तुरानी दल हो जाएगा निजामुल मुल्क जो जिन्हें चिनकिलिज खां नाम है इनका, अफगानी दल मोहम्मद खां बगस अली मोहम्मद खां, और ईरानी दल हो जाएगा अमीर खां और जुल्फी खां। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दल एवं उनके नेताओं को सुमेलित करने के लिए दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? तो नादिर शाह आक्रमण किया था 20 मार्च 1739 ईस्वी को। करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद दिए? यह दिए थे निजामुल मुल्क को। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? यह किया था 7 बार। कितने बार? 7 बार। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं मराठों का उदय और इसे भी कंप्लीट करते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी 1674 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। शिवाजी के राजधानी एवं गुरु कौन थे? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ और गुरु कौन थे? तो रामदास थे। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तानों ने 1659 में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? तो भेजा था अफजल खां को। सरमांजी प्रथा किससे संबंधित थी? सरमांजी प्रथा है जो मराठा भू राजस्व प्रथा है। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? तो यह थे काशीराज पंडित। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था ताराबाई ने। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे? पुरंदर की संधि के तहत। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो यह था पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? पेशवा कहते थे किसे? तो यह कहते थे रक्षा मंत्री को। पेशवा किसे कहते थे? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को कहा जाता था। एक बार कंफर्म कर लीजिए आप लोगों।
नेक्स्ट है छत्रपति संभाजी किस वंश का संस्थापक था, यह था मराठा। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, तो उपयुक्त में से सभी, भौगोलिक सुरक्षा, उष्णतेत्व, राजनीतिक जागृति। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था रक्षा मंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री, इसको एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, यह हो चुका। नाना फडणवीस का मूल नाम था, नाना फडणवीस का बालाजी जनार्दन भानु, बालाजी जनार्दन भानु। छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था, तय भेजा था राजा जयसिंह को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी, तय समाप्त की गई थी बाजीराव द्वितीय के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था, यह लागू किया था शिवाजी ने, जो कि गुरिल्ला युद्ध में निपुण भी थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था, यह समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि के तहत। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूला जाता था, सरदेशमुखी वसूला जाता था 1/10 की दर से, 1/10 की दर से। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की, तो यह थी छापामार युद्ध नीति, छापामार युद्ध, सॉरी हिंदू राजाओं का समर्थन, हिंदू राजाओं का समर्थन। इसको एक बार देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की, तो यह हो जाएगा छापामार युद्ध नीति, ऑप्शन हो जाएगा सी। शिवाजी के शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, आय का प्रमुख स्रोत था चौथ। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, तो यह था रघुनाथ राव। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था, जिसमें बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध यह हुआ मराठा और अफगानों के बीच 1761 में। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। वर्गीर क्या थे, तो वर्गीर थे पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी, वर्गीर पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी। एक मिनट रुक जाइएगा, वर्गीर क्या थे, एक मिनट, वर्गीर जो थे ये अश्वारोही सैनिक थे, सॉरी गलती हो गया, वर्गीर जो था अश्वारोही सैनिक थे, क्या थे अश्वारोही। नायक जो हो जाएंगे यह पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी, सरे नौबत हो जाएगा पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, कारकुन हो जाएगा किले के गोदाम का अधिकारी। एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्गीर अश्वारोही सैनिक, नायक हो जाएगा पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी, सरे नौबत हो जाएगा पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, और कारकुन हो जाएगा किले के गोदाम का अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। 29 नंबर प्रश्न है, जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। मजुमदार या अमात्य क्या थे, तो वित्त मंत्री। वाक्यानिवेश हो जाएंगे गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख। चिटनीस हो जाएंगे शाही पत्राचार का प्रमुख। दबीर हो जाएंगे या फिर सुमंत विदेश मंत्री, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जो कि है सिखों का उदय, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, यह सही है, जो कि पांचवें गुरु थे और इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, यह अवस्थित है हेमकुंड। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो आप लोग को पता होगा 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी गुरु अंगद, जिन्हें लहना भी कहा जाता है।
मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा इसमें है जो सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव एवं हरगोविंद को कैद में रखा था। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था। ऑप्शन हो जाएगा डी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी थी? फारसी में जफरनामा किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? यह निहित है उनके सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किया था और 1699 ईस्वी में खालसा दल की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? यह बनाया गया था छठे गुरु, गुरु हरगोविंद के द्वारा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो यह 500 बीघा जमीन दिए थे अकबर ने और रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है गुरु गोविंद सिंह को। ऑप्शन हो जाएगा ए। बंदा बहादुर का मूल नाम था? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव या लच्छन देव था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? रोपड़ में रंजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किसने किया था? क्या किया था? विलियम बेंटिक ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? क्या की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। महाराजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? महाराजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो 5वें सिख गुरु और 9वें सिख गुरु। 9वें गुरु तेग बहादुर, 5वें गुरु अर्जुन देव। 2-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था शाह सुजा से। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। क्या था? श्रीनगर। ऑप्शन डी। गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा बनाए गए सिख सैन्य दल के सदस्य कहलाते थे? तो यह कहलाते थे संत सैनिक। क्या कहलाते थे? संत सैनिक। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु का नाम क्या था? तो यह था गुरु अर्जुन देव। किसकी समाधि के कारण नादेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नादेड़ गुरुद्वारा यह माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन हो जाएगा डी। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? धार्मिक राजधानी अमृतसर को, अमृतसर को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख को रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? यह है 22 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यह सही दिया गया है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पासा कहा था? सच्चा पासा किसने कहा था? यह कहा था गुरु हरगोविंद ने। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पासा? तो गुरु हरगोविंद। ऑप्शन हो जाएगा बी। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने? रामदास को। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरुमुखी प्रारंभ की थी गुरु अंगद ने। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? तो यह रखी गई थी मियां मीर के द्वारा। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? तो यह मियां मीर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नया क्वेश्चन है, पाहुल प्रथा में क्या होता था? पाहुल प्रथा में सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है जो कि है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इसमें सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर लें, यह जो है लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से है। इसके बाद हम लोग विविध देखेंगे और हम लोग मध्यकालीन भारत को समाप्त कर लेंगे। भक्ति आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है, यह है रामानंद का, रामानंद का। प्रतिपादन किसने किया था? क्या किया था? वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो यह है शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो द्वैतवाद का दिया मत दिया था माधवाचार्य ने। द्वैता द्वैतवाद दिया था निम्काचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद दिया था
रामानुजाचार्य ने, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने, अद्वैतवाद मत दिया था शंकराचार्य ने, और इसमें सुमेले थे ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वह कौन थे, तो वह थे मीराबाई। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, तो यह की थी रस खान ने, ऑप्शन हो जाएगा सी। कामरूप ने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, तो यह बनाया था शंकर देव ने, कामरूप असम। नेक्स्ट है कबीर किसके शिष्य थे, कबीर धन्ना ये सब किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, 10 नंबर प्रश्न है। नामदेव, नामदेव हो जाएगा दर्जी, नामदेव क्या थे, तो दर्जी थे। कबीर जो थे यह जुलाहा थे, क्या थे, जुलाहा थे। रविदास जो थे यह मोची थे, और सेना क्या थे, तो नाई थे, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो यह समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के, अकबर तथा जहांगीर के। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं, तो यह संबंधित हैं विशिष्टाद्वैतवाद से। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था, तो यह था तुकाराम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है, द्रविड़ वेद कहा जाता है तेवाराम को। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, तो यह संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया, क्या किए थे, रामानंद ने। 15वीं-16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एक केशवरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी, इसकी विशेषता क्या थी, इसे देख लीजिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अधीनस्थ वर्ग के, अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था, इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों का जन भाषा से संबोधित किया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, तो संसार क्या है, दुखपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, इस्लाम से प्रभावित कौन था, तो यह हो जाएंगे नामदेव, कौन हो जाएंगे नामदेव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक इनमें से कौन नहीं था, तो नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, इसमें से बताना है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, लेकिन साहित्य रत्न जो है इनकी रचना नहीं है। भक्त तुकाराम कौन से सम्राट के समकालीन थे, या थे जहांगीर के समकालीन। निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि अनुक्रम चुनिए, पहले हो जाएंगे कबीर, उसके बाद गुरु नानक, चैतन्य, फिर मीरा प्रभु, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है, तो यह है अमर मूल। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करिए, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, केवल क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे, तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वैष्णव धर्म से। मलुकदास एक संत कवि थे, तो या थे कड़ा या फिर कौसम्बी के। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, इसे बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, उस्मान चित्रावली, यह सब सही दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वर्करी संप्रदाय का संत था, वर्करी संप्रदाय का संत कौन था, यह था नामदेव। निम्नलिखित में से किस सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया, तो यह बनाया था शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर ने। नेक्स्ट है जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था, तो वह था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, तो यह कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, तो यह है रामानंद का। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो यह थे राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, या कहाँ लगता है, तो यह लगता है देवा शरीफ में,
देव शरीफ में या फिर देवा शरीफ, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सुहरावर्दी सिलसिला से। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कदरगाह अजमेर में ही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सही भारत का सादी कहा जाता है? किसे भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी कहा गया अमीर हसन को। शेख फरीद खां का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के सात सुल्तानों का शासन देखा था वह कौन था? तो यह था निजामुद्दीन औलिया। आठ शासन देखा था अमीर खुसरो। निम्न से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? तो फरीदुद्दीन गज ए शंकर। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किसे की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध थे नक्शबंदी संप्रदाय के लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा डी, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, जो कि सही नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का जो है दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी का जो मकबरा है ये कहाँ है? तो गुलबर्गा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है विभिद, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको लोग को देखने को मिलेगा 24 और इसे कंप्लीट करके हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो यह था उस्ताद अहमद लाहौरी। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसे गौर करिएगा, शालीमार बाग कश्मीर कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, निशांत बाग लाहौर में है और पिंजौर बाग पंजाब में है, ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक शालीमार बाग कहाँ है? तो कश्मीर में है। नेक्स्ट है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? क्या किया था किसने? बदायूनी ने। मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया था, उसका नाम क्या था? तो यह था ट्रेवेनियर। ये सब क्वेश्चन बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट जब मैं करवाती हूँ ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो यह थे अकबर के समकालीन। अता अली खां किसका नाम था? अता अली खां जो नाम था यह था तानसेन का। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? जिसमें सम्मिलित है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया है? तो पारसियों से। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? चकला शब्द का प्रयोग हुआ है सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यत सरकार के समानार्थी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी। मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आयुर्वेद से। किससे है? आयुर्वेद से है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है हुमायूं का मकबरा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, इसे मिलान करिए। 1757 में क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। हल्दीघाटी 1576। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे बताइएगा? किसकी खेती नहीं करते थे? तो यह थे मक्का का खेती नहीं करते थे। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो यह है मारवाड़ से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तराइन का तृतीय युद्ध 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का फतेहपुर सिकरी में निर्माण करवाया था। 18वां प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा था, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था, खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय हुआ था, खानवा का युद्ध बाबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्तार बदान कौन कहलाते थे? तो यह कहलाते थे कौन? उलेमा कहलाते थे। दस्तार मदान। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी?
राजपूतों के समय जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी हेमचंद्र सूरी। 22वां प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। इक्ता प्रथा जो है दिल्ली के सुल्तान जागीर हो जाएगा या मुगल, और अमरम हो जाएगा विजयनगर, मुकासा हो जाएगा मराठे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था, तो यह कहा जाता था सूरत को। निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम से सुमेलित कीजिए। इसे आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंगेज खां का आक्रमण 1221 में हुआ था। नहीं, चंगेज खां का नहीं हुआ था। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, अभी मेरे माइंड से सारा का सारा निकल चुका है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और इसे सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी करें और मेरी हेल्प करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं आधुनिक भारत में, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से, बिल्कुल फास्ट तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।